नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जो कि जो है एग जो है अंडा जो है अंडे का जो पीला अंश होता है जिसको बोलते हैं योक ऑफ द एग, तो उससे ये मेडिसिन बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है वीकनेस के लिए, ख़ास तौर से एनीमिया के लिए। लंबी बीमारी भोगने के बाद अगर आपको रक्तहीनता है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बहुत छोटी मेडिसिन है, दो चार इसके मुख्य लक्षण हैं, वीकनेस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख कम लगना और एनीमिया। लंबी बीमारी के बाद अगर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो अंडे से बनी है मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैं YK गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, आज की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये बनाई जाती है अंडे के पीले भाग से, जो योक ऑफ एग जिसको बोलते हैं, जो अंडे का पीला अंश होता है उससे दवाई तैयार की जाती है। तो इसके लिए जो है ये एनीमिया के लिए रक्त पोषण क्रिया को ये बढ़ाती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बहुत दिनों तक कोई बीमारी, मान लिया आपको कोई बीमारी हुई लंबी और उसमें आपको रक्त की कमी होगी, एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एनीमिया के लिए बहुत लंबी बीमारी भोगने के बाद। दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो अंडा है उसमें जो पीला अंश है उसके लिए, एनीमिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है, क्योंकि एनीमिया की प्रधान दवा है लोहा, आयरन। आयरन इसमें पाया जाता है, अंडे का जो पीला अंश है वो एक तरह से आयरन ही होता है, उसमें सफ़ेद अंश में एल्बुमिन होता है और जो ये येलो पोर्शन होता है इसमें आयरन रहता है। तो इसलिए जो है रक्तहीनता के लिए, बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको रक्तहीनता है, एनीमिया है, ब्लड कम है, उसके साथ साथ अगर आप एक नियमित मुर्गी का एक अंडा नित्य व्यवहार करेंगे तो बहुत जल्द ही जो है आपको एनीमिया की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी, आपके स्वास्थ्य में उन्नति होगी। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अंडे से भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर नियमित आप एक अंडा रोज़ खाते हैं तो। इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एनीमिया के लिए। एनीमिया के अलावा स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती का बिगड़ना, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना और ये भूख के लिए, जिन लोगों को भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मांसपेशी का क्षय हो जाए कहीं से, पेशाब में शुगर हो, एल्बुमिन और फॉस्फेट जाना, तो इन में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिनको बहुत ज़्यादा कम भूख लगती है, मैंने अधिकतर देखा है बहुत से पेशेंट को जिनको बहुत कम भूख लगती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एल्बुमिन के लिए। एल्बुमिन अगर जो है पेशाब में जो है एल्बुमिन और फॉस्फेट जा रहा है और शुगर जा रही है पेशाब में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए और आपका एनीमिया के लिए। तो एनीमिया के लिए मेडिसिन का नाम है दोस्तों लेसिथीन, LECITHIN। लेसिथीन जो है आपको ये 6x पोटेंसी में या 3x पोटेंसी में यूज़ करनी है, टैचुरेशन टैबलेट है, दो दो गोली सुबह दोपहर शाम लें, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एनीमिया के लिए। भूख कम लगना, मानसिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता, फिजिकल वीकनेस है जो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फिजिकल और मेंटल वीकनेस जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एनीमिया के लिए। और आपका जो फिजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस है, फिजिकल आपको वीकनेस है, मेंटल वीकनेस है, भूख कम लगती है, भूख बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन जो अंडे से बनाई जाती है, अंडे के येलो पोर्शन से बनाई जाती है, लेसिथीन। रेक्वेक, डॉक्टर रेक्वेक में आप इसको यूज़ करें, दो गोली सुबह दोपहर शाम लें, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिनको बहुत ज़्यादा रक्त की कमी है। और साथ साथ एक अंडे का सेवन नित्य करें, एक अंडा रोज़ खाएं, जो अंडा खा सकते हैं वो ज़रूर खाएं, अन्यथा इस दवा को लें, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कोई सिरप भी अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो एक सोबे का एक सिरप आता है बायोफंगिन, उसकी भी एक एक चम्मच या एक एक ढक्कन रोज लें, तो दो तीन महीने में आप देखेंगे जो भी आपको रक्त की कमी है, रक्तहीनता है, वीकनेस है और भूख कम लगती है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है लेसिथीन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, साथ ही साथ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड, इस मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।